हमारे बच्चों को जेल में डाला हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग तुम सबको यहां से ले जाने आए। ओके, तुम कौन? ऑब्वियसली इन्हें पता नहीं है कि हम कौन है, इसलिए हमारे बच्चों को जेल में डाला हुआ है। वी आर दी ओब्रॉयज, दी ओब्रॉयज। और अगर आपने मेरे बच्चों को इस वक्त जेल से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता हूं चुटकी में। Do you understand? I want them out right now! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। जो बड़े पापा ने कहा ना वही काफी था। जो भी हो अब ये सोचो इससे कैसे निपटे। जब शिवा और मेरी नहीं चली तो फिर किसकी क्या चलेगी? कोई तो होगा जिसकी इसके सामने चलेगी। पुलिस स्टेशन है, भिंडी बाजार नहीं। और तुम लोगों ने अगर अपनी बकर बकर बंद नहीं की ना तो तुम लोगों को अलग अलग लॉकर में डाल दूंगी मैं। किसमें इतनी हिम्मत है जो कल्याणी सिंह ओबराय के परिवार को जेल में डाल दे? कई भैंस पानी में। और किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे थाने में आके मुझे धमका रही है? जिसने दादी को लॉकअप में डाला था। I'm sure this lady. शिवाय उसके लिए पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी सू कर पाओगे आप। धमकी तो अभी मैंने दी नहीं है और हिम्मत तो मैंने भी दिखाई नहीं है। तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। अरे कल्याणी, पहचाना मुझे? अरे मैं दारका। अरे कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और तू बता तू कैसी है? तेरे सामने हूँ एकदम भली चंगी। दादी मैं शिवाय। दादी ओम ओम दादी, दादी, कुमारी शर्मा। सबसे छोटी दादी, दादी मैं शक्ति। पापा। बा, हाँ, आपका पुत्र बड़े पापा। दादी सबने बोल दिया, मैं भी बोलता हूँ। अनिका खिड़की तोड़। अनिका अरे सुमन। सोचा नहीं था जिंदगी में ये नजारा भी देखने को मिलेगा। रुद्र होता ना तो तुम सबकी फोटो खींच के शीशे में जड़ लेती। तो दादी अगर रुद्र यहाँ होता ना तो हम सबसे पहले वो अंदर होता। ये सब तेरे परिवार के हैं क्या? मेरे बेटे पोते और बहू है। तूने पहचाना नहीं तेज और शक्ति को? हाँ, कैसे पहचानती? जब आखिरी बार देखा था ना तो तेज निक्कर में घूमता था और शक्ति वो तो तेरी गोद में ही था ना, बड़े रोतुड़ थे दोनों। पर इन्होंने ऐसा क्या किया जो तूने इन्हें अंदर कर दिया? अरे जो भी किया बहुत अच्छा किया, उनकी वजह से ही तो वो मुखिया और वो बूढ़ा दूल्हा वो सब पकड़े गए। तो फिर इन्हें क्यों अंदर किया? अरे बोलते बहुत है, बड़ी तड़ीबाज है। वो तो हमारी खानदानी बीमारी है, तू तो जानती है। याद है वो बचपन के दिन कि भूल गई? हाँ बचपन। अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, सब याद है मुझे। त्यागी अरे छोड़ दे बच्चों को। तुम दोनों लड़कियों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। लड़की हो के तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई और तुम्हारी वजह से ही वो मुखिया और वो बूढ़ा दूल्हा पकड़ा गया। और सुमन तुझे ये पुलिस वाला घर तक छोड़ देगा, और वो जो मुखिया है ना और बूढ़ा दूल्हा तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अब ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेंगे वो लोग। शुक्र है रब दा सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन तुम दोनों की चुनरी की रस्म आज नहीं हो सकती। लेकिन क्यों मां? क्योंकि जब तक हम घर पहुंचेंगे मुहूर्त निकल चुका होगा। अरे तो दिक्कत क्या है, मुहूर्त अभी निकला नहीं ना, तो
रसम तो यही कर सकते हो ना। यहाँ? हाँ, ये आपके लिए पुलिस स्टेशन होगा लेकिन हमारे लिए तो ये मंदिर है और काम हमारी पूजा। वैसे भी कल्याणी, बहुत एहसान है तेरे मुझ पर, और अगर तेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाते ना तो मैं अनाथ अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती ना। तो आज मौका है ना, मुझे भी कुछ कर देते तेरे लिए। तो ठीक है, चुनरी की रस्म यही कर। त्यागी, रस्म की तैयारी करो फटाफट। जी मैडम। बेटी, ये तुझे छेड़ रहा है क्या? अभी बोल मुझे, अभी सीधा लॉकअप में डाल दूंगी। हाँ। Okay guys, you know what? I think इस मौके पे एक पिक्चर तो बनती है। अगर रुद्र नहीं है तो क्या हुआ? मैं खींच लेता हूँ। शिवाय, मैं कैसे लग रही हूँ? Beautiful. Smile. चलो भाई, चुनरी की रस्म तो हो गई, अब रिंग सेरेमनी घर जाके करेंगे। एक सेकेंड, मैं सोच भी नहीं सकता कितनी हैपनिंग हमारी शादी होने वाली है। अगर ये रस्मों की शुरुआत पुलिस स्टेशन में हुई है तो आगे क्या होगा? तेरी बस बिल्लू और खिड़की तोड़ अनिका की शादी है, कुछ तो अलग होगा।